तो आज का सवाल है कितने किलोमीटर तक चली हुई यूज्ड कार लेना ठीक रहेगा, क्योंकि जब भी हम यूज्ड कार लेते हैं तो दो तीन फैक्टर को जरूर ध्यान पर रखते हैं, जैसे कि कितनी पुरानी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है और कितने हजार किलोमीटर चली हुई है। और हम प्रिफर करते हैं कि गाड़ी कम से कम किलोमीटर चली हो, यानी कि कम चली हो अपनी एज के हिसाब से। तो प्रिफर करना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यार कम किलोमीटर चली है गाड़ी तो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में होगी। तो इस वीडियो में ये चीज़ मैं आपसे क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं एक फेमस गाड़ी का, जो कि है वैगनार। वैगनार 2015 मॉडल, जो कि 40,000 किलोमीटर चली हुई है, और दूसरी जो वैगनार है 2016 मॉडल, जो कि सिर्फ 10,000 किलोमीटर चली हुई है। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सा एक एग्जाम्पल है, इसमें आप चूज़ कर सकते हैं, आप अपनी प्रेफरेंस आपके पास बिल्कुल क्लियर है। और ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा पुरानी गाड़ी होगी तो ज़्यादा किलोमीटर चली होगी, और नई गाड़ी होगी या फिर कम जो गाड़ी की एज होगी तो उस हिसाब से वो कम चली होगी। तो यहाँ पर आपका जो डिसीजन है आप आराम से ले सकते हैं कि आपने सस्ती गाड़ी लेनी है तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा चली हुई मिल जाएगी। लेकिन यही चीज़ अगर उल्टी हो जाए, जो वैगनार 2016 मॉडल है वो आपको 40,000 किलोमीटर चली हुई मिले, और वैगनार 2015 मॉडल वो सिर्फ आपको 10,000 किलोमीटर चली हुई मिले, तो इस कंडीशन में आप किसे चूज करेंगे? आप वही गाड़ी प्रिफर करेंगे जो कम किलोमीटर चली हुई हो, यानी कि कम चली हो। और यहाँ पर जो डिसीजन लेना है आपने बिल्कुल समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ लेना है, और आपको गाड़ी के ओनर से ये जानने की कोशिश करनी है कि जितने किलोमीटर भी ये गाड़ी चली हुई है वो कैसे चली है, किन कंडीशन में चली हुई है और किस इलाके में चली हुई है। तो अगर जो कम किलोमीटर चली हुई गाड़ी है सिर्फ और सिर्फ सिटी में चलती है, और यानी कि जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में या फिर स्टॉप गो ट्रैफिक में चलती है, तो उसके इंजन का वियर एंड टीयर काफ़ी ज़्यादा रहता है। और वहीं पर दूसरी गाड़ी जिसमें ज़्यादा किलोमीटर हो रखे हैं या फिर ज़्यादा चली हुई गाड़ी है और वो हाईवे पर चलती है, तो उसके इंजन का वियर एंड टीयर काफ़ी कम रहता है सिटी के कंपैरिजन में। सिटी 10,000 किलोमीटर में उतना वियर एंड टीयर होगा जितना 20,000 40,000 किलोमीटर में भी उसका, जो कि हाईवे पर ही चलती है वो गाड़ी, उसका मतलब बराबर होगा उनका वियर एंड टीयर। लेकिन जो ज़्यादा किलोमीटर चली हुई गाड़ी है उसका आपने सर्विस रिकॉर्ड देखना है, उसका प्रॉपर सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपने गाड़ी चलाई है 40,000 किलोमीटर और टाइम पर सर्विस नहीं करवाई है उसकी, तो वो गाड़ी लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर्विस रिकॉर्ड देख के आपको आइडिया लग जाता है कि ये गाड़ी की कंडीशन, गाड़ी को कैसे मेंटेन किया गया है। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि गाड़ी हाईवे पर चलती है तो हाईवे में चलने वाली गाड़ी का वियर एंड टीयर कम होता है, तो आप 2 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी आप ले लें, ऐसा नहीं है। वो लगभग अपनी जो 70 से 80% जो है अपनी एज, अपने किलोमीटर कवर कर चुकी है, तो वो गाड़ी लेना भी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, वो धोखा दे सकती है आपको या फिर ज़्यादा आप उसमें परेशान हो सकते हैं बाद में। तो एक मोटा मोटा आइडिया अगर मैं यहाँ पर लूँ, 3 से 4 साल पुरानी गाड़ी अगर 50 से 60 हज़ार किलोमीटर भी चली हुई है तो आप आसानी से ले सकते हैं उसको, यानी कि 1 साल का एवरेज किलोमीटर जो कि 10,000 से 15,000 किलोमीटर है, उस गाड़ी को बाय करना, उस गाड़ी को प्रेफर करना एक बहुत अच्छी डील होगी। लेकिन कई सारे फैक्टर हैं, उसकी कंडीशन, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी, और कैसे उसको मेंटेन करके रखा गया है वो आपने देखना है। और यूज्ड कार को खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में देने वाली है, कैसे उसके इंजन का इंस्पेक्शन करना है, कैसे चला के देखना है क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, कैसे आप नोटिस करेंगे इंजन कैसा है उसका, ये सारी डिटेल में वीडियो हमने बनाई है गगन चौधरी और मैंने, और आप आई बटन में उसका लिंक देख सकते हैं। एक सीरीज़ है 4 वीडियो की, उसमें उसको अगर आप पूरी कंप्लीट तरीके से देख लेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। और आप अगर यूज कार लेना चाहते हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखें। और रही किलोमीटर्स वाली बात, उसका कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया गया है। ये जो वेयर एंड टीयर होते हैं ना, जो सिटी में चलती है गाड़ी, वो उस टाइम पे जब वो मतलब जब कम किलोमीटर्स होते हैं तब पता नहीं चलता। अगर आप उम्मीद करते हैं कि गाड़ी को मैं 5 6 7 साल रखूं, तो ये जो है ओवर द टाइम आपको इसके इफेक्ट दिखने लग जाएंगे, धीरे धीरे परेशानियां मतलब थोड़ी सी जल्दी आनी शुरू हो जाएंगी। तो प्रिफर कीजिए जो गाड़ी हाईवे पर ज़्यादा चलती हो और सिटी में काफ़ी कम चलती हो। अगर सिटी में चलती है ज़्यादा तो उस हिसाब से उसके रेट लगाइए, मतलब ये नेगोशिएशन आपने करनी है, और ये सारी बातें दिमाग में रख के आप एक परफेक्ट गाड़ी को चूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को,
और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं, और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपने, और भारत माता की जय।